किसानों को चारों ओर से घेरा जा रहा है, तो दवाई भी चारों ओर से लगानी पड़ेगी। पहली दवाई यह है, अगर 16 लाख करोड़ रुपए उनका कर्जा माफ हो सकता है तो आपका भी कर्जा माफ होगा। या तो आप उनका मत कीजिए या सरकार को कहना चाहिए, देखिए अगर किसान का कर्जा माफ नहीं होता है तो अरबपतियों का भी नहीं होगा। दूसरी दवाई, हमने अपने मैनिफेस्टो में साफ लिख दिया है कि कानूनी MSP लागू की जाएगी और स्वामीनाथन रिपोर्ट के मुताबिक की जाएगी। तीसरी दवाई, फसल बीमा योजना को रीस्ट्रक्चर करना। फसल बीमा योजना का काम आपकी रक्षा करने का है, उद्योगपतियों की रक्षा करने का नहीं है। चौथी दवाई, जैसे ही आपको प्याज बेचने का समय आता है एकदम एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी को बदल दिया जाता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी की ट्यूनिंग आपको मारने के लिए की जाती है। तो अगर हमारी सरकार आएगी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी से आपकी रक्षा होगी, आपकी प्राइस की रक्षा होगी, आपका जो दाम है एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी उसकी रक्षा करेगी। और आखिरी चीज जो GST है, जो पहली बार किसानों पर टैक्स लग रहा है, अलग अलग तरीके के टैक्स है, अलग अलग लेवल के टैक्स है, इस GST को हम स्टडी करके एक टैक्स देंगे आपको। और हमारी पूरी कोशिश होगी कि किसान GST में ना आए। ये सब आपकी मदद करने के तरीके हैं।